शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, ज्ञान सागर, बाप के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों के मोती चुगने वाले। तो आज सतगुरुवार के दिन बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ रहो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। मुरली में प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों से बाप ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं की आवश्यकता, अर्थात किन किन धारणाओं पर पूरा पूरा ध्यान रखना है न जवाब सबके पास। हाँ, बाबा कहते हैं इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिस कोई 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरी बात, बाप जो अति प्यारा है, मीठा है, वो तो तुम्हें आप समान मीठा ही बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे मुख से कोई भी करवा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो। दुख हरता सुख करता के बच्चे बनकर सबके दुख हरने हैं और मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख ही देना है। उस्तति निंदा में सदा समान रहना है। ये है हेडिंग। फिर से ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति दिन भी कहा जाता है। वृक्षपति का दिन अर्थात बाप का दिन, उमावस के दिन अंधेरी रात पूरी होती है फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है। और आजकल जिनका पितृ होता है, खिलाते हैं ना, जो मर जाता है उसको खिला पिला कर पूरा करते हैं, फिर मांगना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या। असल कायदा है 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना है, होता है। फिर अंधेरी रात में
क्यों बुलाया जाता है, परंतु ब्राह्मणों ने ये भी रस्म रवाज बना दी है। वे चले आते हैं, दक्षिणा आदि मिलती रहेंगी। अब वो तो है हद की उमावस। अब बाबा आया हुआ है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प अंधियारा, आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है और फिर सत्युग में प्रकाश होता है। वहाँ कभी कोई पितराद नहीं खिलाएंगे। ये फिर है बेहद की, अभी ये फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी होकर दिन आ जाता है। फिर कोई भी पितराद खिलाते नहीं हैं। वहाँ तो ब्राह्मण ही नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मरते ही नहीं, परंतु वहाँ ये रस्म रवाज नहीं होती है। बाबा कहते इस समय यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो नहीं सकते। राज एक था, एक रस्म रवाज थी जब सत्युग था। सत्युग तो बापी आकर स्थापन करते हैं। वहाँ सत्युग में तो सब मीठे ही मीठे होते हैं। दुख की बात ही नहीं है, कब करवा वहाँ बोलते ही नहीं, पाप करते ही नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऐसा ऊंच पद पाएंगे। फिर भी कहेंगे नंबर वार। ऐसे नहीं कि वहाँ चोरी याद करेंगे, नहीं। इसलिए अब भी अंदर बाहर साफ रहना है। यहाँ तो अंदर एक बाहर दूसरी होती है। कितना एक दो को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि सब है रावण, ये सब है रावण की गंदी चंचलता। बाबा अब एकदम ये सब खत्म कर देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदत तो खत्म होती नहीं। टाइम तो लगता ही है, परंतु जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर स्वयं को देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, हम बाप को याद करते हैं, कोई हमारे से पाप कर्म तो नहीं होता, खुद मीठा बनकर फिर औरों को भी मीठा बनाता हूँ। खुद ही अगर करवाऊँगा तो फिर दूसरों को मीठा कैसे बनाएंगा। बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते, छिप नहीं सकते। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बनकर
और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो फिर बहुत कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान स्वयं अभी तुम बच्चों को पढ़ाते हैं देवता बनने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी की हिंसा जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। यहाँ बच्चों को क्या कहा जाता है, बस मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है अर्थात कोई को भी दुख नहीं देना है। याद रहे हम तो है ही दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है तुम कैसे दुख हर करके सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, इस जन्म में जो कुछ भी पाप कर्म किए हैं बाप को बतलाने से आधा कट हो जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना। अभी बाप समझाते हैं इस जन्म में भी याद रहे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका फिर से पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप भी तो भस्म करने हैं। इस जन्म में बाप का बनकर अगर कोई भी पाप कर्म किया तो बाप तो फिर उनको बहुत कड़ी सजा मिलती है। ब्राह्मण बनने के बगैर याद रहे वर्षा नहीं मिल सकता। ये तो बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है इनसे नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को कितना गुप्त रखा है, कभी अपनी महिमा नहीं। ये तो अपने को कुछ नहीं कहलाता है, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। और मिला उसके थ्रू ही तो मिलता है, रथ भी तो गाया हुआ है, उसे इनका रथ निकालते हैं ना, तो उस घोड़े को कितना सजाते रहते हैं। ये तो है तुम्हारा पतित तन। बाबा कहते हैं देखो निरंकारी बाप, ये भी अब सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजना है। इनकी बाबा भी तरफदारी नहीं करते हैं, ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना। परंतु बाबा कहते हैं जैसे तुम्हें पुरुषार्थ करना है वैसे इनको भी करना होता है। श्री बाबा बोले ये लालच नहीं रहती है कि हमको किराया देंगे, ये तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को तो योग बल से ही सतो प्रधान बनना है, जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे,
और फिर आप सामान भी तो बनाना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले बच्चे हैं वे तो नामी ग्रामी हैं, बाबा उनको सर्विस पर भेज देते हैं। बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे याद रहे बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण होकर अगर कड़वा बोलते हैं तो क्या कहेंगे सुनने वाले, कहेंगे इसमें तो क्रोध का भूत है। तो बच्चों को स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों को, बहुतों में क्रोध का भूत तो है ना, उससे बहुत नाराज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है, जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता हमारे में क्रोध नहीं है, कोई में जास्ती कोई में कम होता है, कोई का तो आवाज भी ऐसा ही होता है जैसे लड़ाई करते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, क्योंकि यहाँ ही तो तुमको संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार ही माने जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई ऐसा विक्रम करेंगे तो तुम्हें बहुत सजा खानी पड़ेगी, वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज भी है, सजा तो मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा है गुप्त, गर्भ जेल में तो सदाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी याद होती है वो भी तो कहेंगे कर्म भोग है, कैसे कहें धर्मराज के द्वारा दंड मिलता है, वो तो है गुप्त, गर्भ जेल में भी मिलता है, धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगना भोगनी पड़ती है। अभी बाप हमको इन सब बातों से छुड़ा रही है। परमपिता परमात्मा और धर्मराज भी तो ड्रामा में उनकी नूंद है। अब कहती है जब तक तुम बच्चे समझते हो कि हमें संपूर्ण बनना है तो बाबा कहते बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो, अपने कल्याण के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ये तो कल्प कल्पांतर की बात है, वो पढ़ाई तो होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, ये तो है 21 जन्मों के लिए। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है,
तुम बच्चे जानते हो, अब तो ये है पुरानी दुनिया, नई दुनिया में तो ये भारत अकेला ही होगा। अब फिर से यह चक्कर रिपीट हो रहा है, नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। ये तो गाया हुआ है ना, क्या प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो ज़रूर ब्राह्मण भी तो चाहिए, तो ज़रूर ब्राह्मण भी तो पवित्र बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्र बन रहे हैं। बाप हमें ये नहीं कहते तुम घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते ए कमल फूल के समान रहो। ये बाप दादा नाम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दादे से वर्षा मिलता है, वो है ऊंचते ऊंच ब्रह्मा। तो पहले क्या था, साधारण तुम्हारे माफिक। ये है इसका अंतिम जन्म, इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ, पावन दुनिया में तो कोई याद ही नहीं करते। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दला। इसका हिसाब भी बाबा कहते अभी तुम बच्चों ने समझा है, जो सूर्यवंशी है वो पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, बल कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या, कुछ भी बेचारे समझते नहीं। साधु संत आदमी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे ज़रूर। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, वर्षी क्यों मनाते। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। ज्योति में जब लीन हो गई फिर आ कैसे सकती, परंतु यहाँ तो अब अनेकानेक मत है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है तो फिर आता ही नहीं, मोक्ष को तो जब मोक्ष को पाया फिर तो खुशी मनाना चाहिए, पाठ बजाने से छूट गया फिर उनको तो याद भी नहीं करना चाहिए। ये भी तो अब तुम बच्चे जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद ज़रूर करते हैं, मानते भी हैं, सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा भी तो ज़रूर मिलना चाहिए। सर्व का सद्गति दाता एक है, सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति कैसे दे सकते, इसलिए एक ही
सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही बाप आकर तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं और सभी को रावण के राज से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की उमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल अनादि बना हुआ है। जब तुम्हें रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं कि शांति कैसे हो, तो वहाँ तुमको ये बताना चाहिए, एक धर्म एक राज तो सत्युग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहाँ सुख शांति संपत्ति सब था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में तो एक ही धर्म था, पुरानी दुनिया में देखो झाड़ कितना बढ़ जाता है, अनेक धर्म है। अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम हम शिव बाबा बोले, मैं कल्प कल्प आकर ये काम करता हूँ, सत्युगी राजधानी के लिए आकर तुमको राजयोग ज़रूर संगम पर ही तो सिखलाएंगे, सभी पतितों को आकर पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके ही रथ में आता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं अभी, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पतित दुनिया को ही तो पावन दुनिया बनाना है। मेरा नाम ही है बाप बोले, मेरा नाम ही है दुखहर्ता सुखकर्ता। सुख में तो मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते रहते हैं। ज़रूर है सुख मिला हुआ है था। बाप कहते हैं मैं अब फिर से पढ़ाने आया हूँ। अब पढ़ना ये तो तुम बच्चों का काम है। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधेरे में हैं। तुम भी तो पहले कुछ नहीं जानते थे, इस समय तो सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। देखो कितने बेचारे दुखी हैं। तुम सबका तो बेड़ा अभी पार करते हैं, सब शांति धाम में चले जाएंगे। अब ये सब बातें बाबा कहते हैं तुम बच्चों के बुद्धि में है, सो भी नंबर वा जो लाइट हाउस बने होंगे वही तो दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उन्होंने का काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को
बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये तो स्थाई खुशी रहनी चाहिए। यहाँ बाप आकर तुम बच्चों को रिफ्रेश करते हैं, देखो कितना तुम यहाँ रिफ्रेश हो जाते हैं। फिर भी बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। याद रहे बाप से हमें पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे यात्रा पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं, माया का तो इस समय बहुत भपका है। सतयुग में भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर अंत में शुरू हुआ है। इनको ही तो माया का पाप कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में, कहते हैं कहते हमें तो यहाँ ही सब सुख है। मोटरें एरोप्लेन आज सब तो है हमारे लिए, अब यहाँ हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। धन माँ जेवर आज सब है, लक्ष्मी नारायण को भी तो जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी उनको समझाओ फिर भी विक तो उनको याद रहता ही है। इस विकार के बिगैर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। याद रखना, बाप कहते हैं बच्चे याद रखना, अब नहीं मानेंगे तो धर्मराज के द्वारा सजा दिलाऊंगा। डराते भी हैं बहुत बच्चे, विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं उनको। सोचो वो कितने हंटर खाएंगे। बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए, संगत दोष में, परंतु संगत दोष में ऐसे गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद ही गंवा देते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तो हीरो आज की खानियाँ सब खाली होती जा रही है, फिर भर जाएंगी। सोने हीरों के पहाड़ होते हैं, हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर के समान होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी बाप ज्ञान सिरान पर चराते हैं, तो देखो तुम अभी कितने अच्छे बनते जाते हो। अच्छा, फिर से बाप दादा बोले मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। अभी टोटल मुरली का धारणा युक्त सा, अभी क्यामत का समय है, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म नहीं करना है,
अपने कल्याण के का पुरुषार्थ करना है, इसलिए बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध को तो बिल्कुल छोड़ देना है। बाप से पूरा पूरा वर्षे की लेने की तमन्ना रखनी है, इसलिए कदम कदम पर बाप की राय लेना ज़रूरी है। बाप समान दुखकर्ता सुखकर्ता बनना है। आज के मुरली में वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले कौन? मास्टर शिक्षक बाबा। बाबा कहते हैं याद रहे हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप तो सुते ही याद आ जाता है, बनाने वाले की याद आने से तुम स्वयं को निमित समझेंगे, ये सुतः स्मृति में आ जाता है, इसलिए विशेष स्मृति रहे कि मैं पुण्यात्मा हूँ, मुझे पुण्य का खाता ही जमा करना और कराना है, यही विशेष मेरी सेवा है। पुण्यात्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक अर्थात सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समा। लास्ट में अभी स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं के सेफ्टी का अनुभव करते हैं। समझा? संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं के सेफ्टी का अनुभव करते हैं, इसलिए कभी भी ये ख्याल ना आए मैं तो जा करके ऐसा करूं ऐसा करूं। जो भी सेवा मिले बड़े प्यार से करते, खुद सबके प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।